प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय प्रेमियों का, सभी सज्जनों का विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए दर्शकों, माँ देवी अपराजिता की अपार कृपा को प्राप्त करें और जीवन में सुख की प्राप्ति करें। इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है दर्शकों। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है और अपनी समस्याओं का समाधान लेना है, तो इस कार्यक्रम से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करें। यदि आपकी ज्योतिष, ग्रह, वास्तु या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपकी समस्या या कोई प्रश्न है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से आपको एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरु जी। सदा आपका बेटा कल्याण हो। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। गुरु जी मेरा नाम अंशु कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरु जी हम सैजानपुर से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरु जी मेरी उम्र 28 साल हो गई। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। एक से गुरु 36 के बीच में गुरु जी? जी गुरु जी 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। उमत्ता देवी। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी आवाज आवाज। बेटा घर में बड़ा भय का वातावरण दिखाई देता है, कुछ न कुछ बेटा घर में बीमारी लगी रहती है और परिवार में सभी का स्वास्थ्य खराब रहता होगा बेटा। हाँ गुरुजी बहुत बीमारी रहती है, बहुत इलाज कराते हैं, फायदा नहीं। बेटा इसी कारण आप भयभीत रहते हो बेटा। राहु का प्रभाव है बेटा। एक तो आने वाले बुधवार को परिवार के सभी लोगों ने 800 ग्राम बेटा जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर नीले कपड़े में बांधकर बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। इसके अलावा बेटा आसपास किसी मंदिर में रोजाना जाएं, परिवार के सभी लोग मंदिर में गणेश जी को थोड़ी बेटा दूर्वा यानी ताजी हरी घास तोड़कर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपको चढ़ाना है। इसके अलावा बेटा हर सोमवार को मंदिर में बेटा बिल्व पत्र चढ़ाएं, जिससे राहु की शांति होती है। और संध्या काल में घर में बेटा आपको रोजाना लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है और बाजार से थोड़ा लोबान लेकर आएं, कपूर के साथ थोड़ा लोबान जलाकर उसकी धुनी बेटा घर में संध्या काल में आपको बेटा रोजाना देनी है। और परिवार के सभी लोग बेटा गुरु जल का सेवन करें। गुरु जल का सेवन करने से आपको बेटा स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार के रोगों से, बीमारियों से आप बेटा सुरक्षित रहोगे। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, इस बात का बड़ा ध्यान रखें। और हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण ना करें। उपाय बेटा अवश्य करना, जीवन में सुख और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो जाएगी।
तो दर्शकों, यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से नहीं लगी है, तो चिंता ना करें, आप हमें अभी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको अवश्य आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और आज के लिए हम यहीं पर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, जय मां भवानी की। प्रभु दरबार, भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।